सिने जगत से बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली और दुखद खबर सामने आई है। मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई में अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी है। अभी तक उनके इस फैसले के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। सुशांत बॉलीवुड के बेहद लोकप्रिय एक्टर थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी एक्टर के तौर पर की थी। उन्होंने सबसे पहले किस देश में है मेरा दिल नाम के धारावाहिक में काम किया था, पर उन्हें पहचान एकता कपूर के धारावाहिक पवित्र रिश्ता से मिली। इसके बाद उन्होंने अपनी फिल्मों का सफर शुरू किया। वे फिल्म काय पोछे में लीड एक्टर के तौर पर भी नजर आए थे और उनके अभिनय की जमकर पूरे देश में तारीफ हुई थी। इसके बाद वो शुद्ध देसी रोमांस में वाणी कपूर और परिणीति चोपड़ा के साथ दिखे थे। हालांकि उन्होंने सबसे ज्यादा चर्चा भारतीय टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी का किरदार निभाकर बटोरी थी। ये सुशांत के करियर की पहली फिल्म थी जिसने 100 करोड़ का कलेक्शन किया था। सुशांत इसके अलावा फिल्म सोन चिड़िया और छिछोरे जैसी फिल्मों में नजर आ चुके थे। उनकी आखिरी फिल्म केदारनाथ थी जिसमें वो सारा अली खान के साथ दिखे थे। गौरतलब है पिछले कुछ समय में बॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकारों ने इस दुनिया को अलविदा कहा है। अप्रैल के महीने में इरफान खान और ऋषि कपूर जैसे लेजेंडरी कलाकारों का निधन हुआ था। वहीं हाल ही में सिंगर और म्यूजिक कंपोजर वाजिद खान का 42 साल की उम्र में निधन हुआ था। इसके अलावा पिछले महीने वरिष्ठ गीतकार योगेश गौर भी इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। हम नहीं जानते कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने यह फैसला क्यों किया, लेकिन नवभारत समाचार उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है।